आज है जो चार राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ। चार राज्यों में मचा रखा था जिसने हुड़दंग। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान का सबसे खूंखार शार्प शूटर संपत नेहरा, जो फिलहाल जेल में बंद है, जिस पर 45 मामले, 12 हत्या और अन्य संगीन अपराध के आरोप। ये वही संपत नेहरा है जिसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की साजिश रची। संपत नेहरा वैसे तो चंडीगढ़ में रहता था, लेकिन मूलतः राजस्थान में राजगढ़ का रहने वाला। चंडीगढ़ पुलिस के ASI का बेटा संपत नेहरा शानदार एथलीट था। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन की। नेहरा PU स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव के वक्त काफी चर्चा में आया, क्योंकि संपत नेहरा चुनावी दौर में पोस्टर बॉय के तौर पर प्रस्तुत किया गया और बाद में जाकर SOPU यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। इसके बाद नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट मिलता गया। संपत अपने छात्र जीवन से धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगा और बंदूक थाम कर बन गया गैंगस्टर। वो मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों की सूची में शामिल हो गया और इस तरह बन गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे अहम सदस्य। छात्र जीवन में ही जेल की हवा खाने वाले नेहरा ने पहले लॉरेंस का विश्वास जीता और फिर एक से बढ़कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इससे नेहरा शार्प शूटर के तौर पर जाना जाने लगा। संपत नेहरा गैंग के लिए लूट, फिरौती और हत्या करने की धमकी देने लगा। नेहरा 45 मामले, 12 हत्या और फिरौती के वारदातों को अंजाम देने का आरोपी बन गया। पंजाब और हरियाणा की पुलिस को दौड़ाने का काम करने लगा। इन राज्यों में इंटरस्टेट बॉर्डर होने की वजह से नेहरा को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद संपत नेहरा चार राज्यों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। इस गैंगस्टर पर हरियाणा पुलिस ने 1,00,000, राजस्थान और पंजाब पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। इसके बावजूद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। ये वही संपत नेहरा है जिसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की योजना बनाई। इसके लिए उसने सलमान के बालकनी और प्रशंसकों के बीच की दूरी का अंदाजा भी मुंबई में लगवा लिया, ताकि उस दूरी को भेदने वाले हथियार का इंतजाम कर सके। संपत नेहरा ने सलमान को बालकनी में मारने की योजना बनाई थी। इसका खुलासा संपत नेहरा ने STF के सामने किया। नेहरा ने बताया कि सलमान अक्सर दिन में बिना सुरक्षा के अपने प्रशंसकों से मिलने बालकनी में आते थे, उन्हें आसानी से वही मारा जा सकता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संपत नेहरा इतना खूंखार था कि वो अपराध करने के बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए इसकी जानकारी अपडेट करता था। इसी बीच चंडीगढ़ की ही एक लेडी कांस्टेबल से उसे प्यार हो गया। पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने लेडी कांस्टेबल से संपर्क किया। लेडी कांस्टेबल पुलिस को भरोसा देती रही कि वो संपत नेहरा को सरेंडर करने के लिए मना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेहरा यहाँ से निकलकर तेलंगाना भाग गया। तेलंगाना में साइबराबाद शहर के वेंकटरमन कॉलोनी में रहने लगा और आपराधिक घटनाओं को वहीं से अंजाम देता। हैदराबाद में रहने के दौरान कमरे से बहुत कम बाहर निकलता था, बहुत कम लोगों से बातें करता, पर ज्यादातर फोन में व्यस्त रहता। वो सोशल मीडिया पर उस समय अधिक सक्रिय रहने लगा था। इसके बाद संपत हरियाणा के हिसार की एक लड़की के संपर्क में आ गया। संपत नेहरा को भी पता नहीं था कि वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। वो तेलंगाना से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। वो गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि नंबर से कॉल करने पर वो पकड़ा जा सकता है। पुलिस से बचने के लिए वो अपना नंबर बदलता रहता था। पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद गर्लफ्रेंड के नंबर को पुलिस ने सर्विलेंस पर डाल दिया। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड ने संपत को व्हाट्सएप की बजाय मोबाइल नंबर से डायरेक्ट कॉल कर दी। उसकी यही कॉल संपत नेहरा पर भारी पड़ गई। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो तेलंगाना का लोकेशन आ गया। इसके बाद क्या था, हरियाणा पुलिस पहुंच गई और 15 दिन तक STF की टीम नेहरा के अपार्टमेंट के साथ बने दूसरे अपार्टमेंट में रही। पुलिस टीम ने नेहरा को हैदराबाद वेंकटरमन कॉलोनी में 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद STF की टीम ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे हरियाणा ले आई। पुलिस पूछताछ के दौरान संपत नेहरा ने खुद कबूल किया कि उसने 6 मर्डर किए, वही 6 हत्याएं दूसरों से करवाई और 5 से 6 लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा जेल में है, लेकिन इनके गुर्गे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में आज भी सक्रिय माने जाते हैं।